अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फैशन ट्रेंड्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो 14 अगस्त के ड्रेसेस के डिज़ाइन पे है गर्ल्स के लिए। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत से डिज़ाइंस के आइडियाज़ मिलेंगे कि आप लोगों को 14 अगस्त पे किस टाइप के ड्रेसेस स्टिच करवाने चाहिए। जैसे कि आप ये वाला देखें, इस टाइप का आप कपड़ा अगर बाय करते हैं जिस पे फ्लैग बने हुए हों, या आप सिंपल प्लेन कपड़ा भी बाय करें तो आप इस टाइप के डिज़ाइन ईजिली स्टिच कर सकते हैं। एंड अगर आपको स्टिच करना नहीं भी आता तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें जो आपको ड्रेस का डिज़ाइन पसंद आ रहा है, एंड आप जो है वो टेलर से इस टाइप के ड्रेसेस के डिज़ाइन जो है वो स्टिच करवा सकते हैं ईजिली। एंड ये जो कुछ प्रिंटेड कुर्ती होंगी, कुर्ती के डिज़ाइन होंगे, तो आप वो जो हैं ईज़िली मार्केट में ना इस टाइप के ड्रेसेस फिल वक्त अवेलेबल होते हैं, क्योंकि 14 अगस्त है सो आप लोगों को इस टाइप की कुर्ती मिल जाएंगी। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं भी मिलती हैं तो आपको ये इंस्टाग्राम पेजेस पे, फेसबुक के जो पेजेस होते हैं उस पे आप लोगों को जो है वो ईज़िली मिल जाएंगे। एंड ये वाला आप डिज़ाइन देखें, ये बटरफ्लाई जो है ना डिज़ाइन का बना हुआ है। एंड ये वाला देखिए, लॉन्ग फ्रॉक है, उसके साथ जो है वो गोटी है और गोटे की लेंसेस से वर्क हुआ हुआ है। लेंसेस पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने देखनी है तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत नेट का जो है वो, इस टाइप का आप नेट ले लें और उससे इस टाइप की जो है ना आप कुर्ती बना सकते हैं। अगर आप फ्रॉक बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। इतने कोई जो है वो हार्ड डिज़ाइन नहीं है जो आप स्टिच ना कर सकें। जैसे ये देखिए बिल्कुल प्लेन जो है वो ग्रीन सूट है, इसके ऊपर वाइट दुपट्टा है। इसी तरह अगर आप चाहें तो प्लेन जो है वो वाइट सूट बना लें और उसके ऊपर ग्रीन दुपट्टा ले लें। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से जो है वो बना सकते हैं। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल रही होगी। यूज़फुल रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह।